और भाकियू के कृषि कानून बिल के विरोध में प्रदर्शन पर अब विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। इसको लेकर किसान नेता वीरेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर ने खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान वीरेंद्र सिंह ने भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा। सुने क्या कहा। खास बातचीत में हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह प्रमुख, जो कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भाकियू में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि पहले के धरनों में और अब के धरनों में कितना अंतर है। जी सर, आपका भाई पहले धरनों में वो जेन्युइन फार्मर था, वो स्पॉन्सर नहीं था, वो घर की रोटी खाने वाला या वहाँ चूल्हे ईंट धर के चूल्हों पे भगोनों में खिचड़ी पका के अपने घर से चावल ले जावे थे, वो था। आज ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, फाइव स्टार कल्चर का खाना वहाँ किसान खा रहे हैं, किसान के नाम पे ड्रामा हो रहा है, ये किसान का दर्द नहीं बयान कर रहे, ये किसान को इन्होंने मजाक का विषय, नफरत का विषय बना दिया। आपने राकेश टिकैत जी को दुर्योधन भी बताया है, कैसा क्या हुआ? अच्छा भाई, और क्या बताऊँ मैं, दुर्योधन के अलावा मुझे तो कोई ऐसा दिखा नहीं जो बात सुनने को तैयार ना होता हो, कोई और तो है नहीं इतिहास में, सबने बात सुनी। दुनिया की कोई झगड़ा ऐसा नहीं है जो बिना बिना बात के सुलझता हो, हर झगड़े के बाद बात होती है। बात में आप मानने को तैयार नहीं है, आपको ये पता नहीं कि उस कानून में है क्या। उस कानून की बात अगर करी जावे तो उसमें मुद्दे बताओ कि इन्हें ऐतराज काहे पे, काला कानून है साहब, वापस लो। क्यों लो वापस? संसद है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं संसद में, उन्होंने कानून पास किया, उस कानून के वापस करने का मतलब है जनतंत्र का उपहास उड़ाना, प्रजातंत्र को बंद कर देना और जनता की वोट की कोई राय के मायने ना रखना। यह है बात सारी, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 0.001% लोग इकट्ठे होकर शोर मचावें तो कोई नहीं करेगा, नहीं हो सकता। ये मांग उनकी सरासर गलत और प्रजातंत्र के खिलाफ है। 11 बार वार्ता हो चुकी है लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। किसान और राकेश टिकैत जी कहते हैं, किसान समझने की बात, किसान बेचारे कौन बूझ रहा, वे 40 आवे हैंगे, वे कौन 40 हैं, वे 40 आवे और वे मना करके चले जाओ, आवे लंच, ये लंच वाले किसान है भाई, हम रोटी खाने वाले थे, तड़के बस्सी खावे थे, फिर दोपहर की खावे थे, फिर सांझ की खावे थे, ये लंच करें आकर सांझ को 12 बजे वहाँ सावे 3 बजे लंच करने मंड जाओ, ये किसान नहीं है। किसान जैसी इनकी कोई बात नहीं है, किसान के नाम पर ड्रामा, और बस बुझो मतना बात, तो मेरे से ज़्यादा ना कहो बस कुछ भी। पहले ऐसा होता था कि किसान धरने पर जा रहे हैं तो अपना लंच खाना अपने साथ लेकर, लंच नहीं अपनी रोटी, रोटी साथ लेके जाते थे, रोटी पकवा के 2 बखत की नमकी पूरी और 3 बखत की मिट्टी पूरी तेल की पकी हुई, वे गैर लेके जावे तो तेल की पूरी जल्दी खराब नहीं होती मिट्टी, और उसके बाद फिर खाने की लाइन लगे थी, मतलब राशन मेंटेन हो जाता, सप्लाई लाइन मेंटेन हो जाती, गांव से सीख सीख के धरने पे चली जाती, और अगर धरना कहीं दूर है तो इतने चावल दाल लेके जाया करते थे, भगोने भगोने अपना ईंधन गोस्ते लेके जावे थे, जाके वहाँ पका लेते थे उसमें। अब इतने दिनों से धरना प्रदर्शन जा रही है, यहाँ इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? कि CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसकी फंडिंग और इसकी फंडिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो सोर्स उनकी फंडिंग का था वही सोर्स इनकी फंडिंग का है। इसमें 6 तारीख में भी इन्होंने चक्का जाम किया, कहा है कि चक्का 3 घंटे चक्का जाम। अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक है ये, मैं नहीं समझ पा रहा सरकार सबर का बांध क्यों नहीं भर रहा, सरकार के सबर का बांध क्यों नहीं भर रहा, ये पानी यहाँ आ चुका है। हमारे साथ थे पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सिंह प्रमुख जी, उन्होंने राकेश टिकैत जी को कहा कि आप जल्दी धरना समाप्त कर लीजिए वरना 1 साल बाद चुनाव है, अपनी तैयारी कीजिए जब आप अपनी बात रखिए। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र TV, मुजफ्फरनगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।